टीम इंडिया के दो पूर्व क्रिकेटर अचानक ट्विटर पर छा गए हैं और दोनों के बीच ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। दरअसल आपको बता दें कि इरफान पठान और अमित मिश्रा के बीच ट्विटर पर कुछ जबरदस्त कमेंट्स देखने को मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि इरफान पठान ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत का जिक्र किया, उसकी खूबसूरती का जिक्र किया। इरफान ने लिखा कि मेरा देश, मेरा खूबसूरत देश, इसके पास दुनिया का महानतम देश बनने की संभावना है। लेकिन उन्होंने इसके बाद इतना ही छोड़ दिया। और उसके बाद अमित मिश्रा ने एक ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने इरफान पठान को ना तो टैग किया ना ही उनका ट्वीट को रीट्वीट किया, लेकिन उनसे संबंधित ये जवाब माना जा रहा है। अमित मिश्रा ने ट्वीट किया कि मेरा देश, मेरा खूबसूरत देश, इसके पास दुनिया के सबसे खूबसूरत देश बनने की संभावना है। लेकिन अगर सिर्फ कुछ लोग यह समझ जाएं कि हमारा संविधान वह पहली किताब है जिस पर अमल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसके बाद क्या था कि लोग दो गुटों में बट गए। कुछ लोगों ने अमित मिश्रा का सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने इरफान पठान को ट्रोल किया, उनके सपोर्ट में खड़े हुए। और इसके बाद लगातार लोग अपनी राय ट्विटर पर देने लगे। कुछ लोगों ने लिखा कि इरफान पठान को देश ने बेहद प्यार दिया है, इसके बावजूद भी उनसे इस कमेंट की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन कुछ लोग अमित मिश्रा के जवाब को भी कह रहे हैं कि इरफान पठान ने जहां बॉल फेंकी तो अमित मिश्रा ने चौका लगा दिया। क्या कुछ आपका कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।